और अब बड़ी खबर है, यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, पेपर लीक को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। और इसी कड़ी में आपको ये बताएं कि कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा जाएगा। तो पेपर लीक उत्तर प्रदेश के अंदर अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसी को देखते हुए सीएम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, पेपर लीक को लेकर सीएम योगी शुरू से ही सख्त है, और अब तो अध्यादेश को भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। देखिए बिल्कुल, अध्यादेश लाने को ये मंजूरी दी गई है, और चूंकि अध्यादेश जो है नकल माफियाओं को लगाम लगाने के लिए लाने जाने की तैयारी है, इसी को लेकर प्रस्ताव जो है कोई योगी कैबिनेट में रखा गया था और उसको मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि लगातार नकल माफियाओं के खिलाफ यूपी की योगी सरकार लगातार कदम उठाने की कोशिश कर रही है, और इसी कड़ी में अब ये एक बड़ा कड़ा कानून जो है, जो अध्यादेश है, वो लाने की तैयारी की जा रही है। इसमें जुर्माने की धनराशि के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा भी होगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर नकल जो है माफिया पकड़े जाएंगे और उन्होंने जो नकल कराया होगा, तो उसका जो पूरा खर्चा है वो भी नकल माफियाओं से ही वसूला जाएगा। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, आजीवन कारावास मिलेगा, इसके साथ साथ उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं तो उसका पूरा खर्च भी जो है उनसे ही वसूला जाएगा। अभी तक तमाम जो नकल माफिया थे वो बहुत आराम से जो है नकल कराते थे, उसके बाद वो जेल भरी चले जाए, लेकिन उसके बाद छूट कर दोबारा से जो है नकल सिंडिकेट में जुड़ जाते थे। ऐसे में अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि यूपी की योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है, आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कि योगी सरकार अब एक नया अध्यादेश लाएगी जिसमें इस पूरे कानून का जो है पूरा प्रावधान होगा, जिसमें 1 करोड़ से लेकर जो उम्र कैद तक की जो सजा है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर नकल माफिया नकल कराते हुए पकड़ा जाता है और किसी वजह से नकल की बात परीक्षा में निकलती है, तो जो पूरा खर्चा है वो भी नकल माफियाओं से जो है वसूला जाएगा। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि तमाम बिल्कुल विशाल, क्योंकि पेपर लीक को लेकर ही हमने इससे पहले भी तस्वीर देखी कि किस तरह से योगी सरकार को विपक्ष कटघरे में लगातार खड़ा करता आ रहा है। और अब अगर इस पर जल्द ही काम होता है तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनका भी योगी सरकार पर भरोसा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके मन में भी अब पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो पेपर लीक को लेकर जो नाराजगी है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का भी। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये बीजेपी के हार के कारण भी ये मुद्दा बना है, और इसी वजह से पेपर लीक मामले को लेकर लगातार यूपी की योगी सरकार इससे पहले भी बुलडोजर कार्रवाई कई जगह करती है, लेकिन अब जब इस पूरे अध्यादेश को लाया जाएगा, जिसके प्रस्ताव को आज मंजूरी मिली है, इस पूरे अध्यादेश को लाया जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा, उसके बाद बाकायदा जो है इसको पास कराया जाएगा, तो इसी तौर पर कह सकते हैं कि नकल माफियाओं पर तो नकेल कसेगी, साथ ही साथ उनके मन में डर भी बैठ जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वहीं उन्हीं से क्षतिपूर्ति जो है इस पूरे एग्जाम की ली जाएगी, इसके साथ साथ उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।